ये आहार का पंचम सोपान सुंदरकांड। सुरे सांगा को यही ना भरिए भाई हमें साथ मात्र रहेंगे बोलिए आ भाई 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 आ भ
I'm gonna go.
कैसे बैठे जैसे यहाँ को टीवी चल रही है। हाँ अच्छा है, जिनके हाथ में रिमोट नहीं है, नहीं अपनी मर्जी से चैनल बदले और अपनी मर्जी से चैनल चला रहे। बेटा शांति सर जाओ, चवन्नी है एक रुपया नीचे कर जाओ। देखिए करें क्या थोड़ा समय तो रही बड़े प्यार से कहेंगे थोड़ा घुनावा के बोलेंगे सारा अच्छा करा बड़ा ही सही लगे बाबा का सुंदर कान इधर से आवाज आई पेटी की ये के बदलों की होगी चर्चे करो नहीं इधर से आवाज नहीं आ रही कि वाले हर रहो और कबार हर दास और जीवन को भव से बजे तो जीवन की मिट जाए यार। देखिए साहब बुरा मत मानना, गाना वाला हो या कोई भी हो आनंद जब आता है उसके सामने होते हैं तो पीछे बैठ गए हो तुम बताओ आप सब समझ रहे हो ठीक है ना। अरे आप ये पीछे से कह रहे हो जल्दी कर रहे हो, सामने बैठी तो आनंद आएगा तो पीछे बताओ बैठ गए ऐसा कुछ नहीं है। बुरा साहब हमारी मर्जी है जल्दी कैसे पास में छोटी होती है जय हो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की।
जैसे कोई पुराने काम को धक्का दे रहे हैं। कि भूलों को दी जवाब पर भूल पा नहीं और नाम आया तो मेरे बाबा का मुख से बोल पा नहीं और याद आया बोल रहे उस दिन तो काम आएगा तू भूलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। सब कहेंगे साहब बोलो, अरे बोलो कुछ तो बोलो। रिश्तेदार कुछ दे देंगे, घरवाली भी कहेगी छाती को कहीं सांस तो नहीं है, दुनिया जगाएगी प्रसाद कोई जगाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए सब कहते हैं कि बोलने को दी जवाब पर बोल पा नहीं और बाबा प्यारे तू बाबा का बोलता नहीं और यहाँ जा रहा ये बोलना उस दिन तो काम आएगा तू बोलना तो चाहेगा पर बोल I'm gonna go to the bathroom।
हनुमान जी कहाँ पहुँच गए साहब? कहाँ पहुँच गए हनुमान जी? अरे लगे कि भैया जानकी को ये कैसे पता पड़े कि हम यहाँ पर आ गए हैं। तो हनुमान जी राम जी की बड़ी सुंदर कथा कहने लगे। मैया जानकी बोली कि ये राम जी की कथा तो बड़ी सुंदर है, पर ये कैसे बोल रहा है? मैया जानकी बोली भैया तो मेरे सामने आ जाए, मैं श्राप देकर तुझे भस्म कर दूंगी। हनुमान जी बोले कि जब मैं से नहीं डिलीट हो जाएगा तो लेके कौन जाएगा? हनुमान जी बड़ा सुंदर कहने लगे। क्या कहा? राम कहानी। और हनुमान जी बड़ी सुंदर भगवान की कथा कहने लगे। ओए ए पंचायत बंद कर दे भले आदमी। सच में डाले कहां से वो शांत पे बैठा एक आदमी इतना दिमाग लगा कर आ रहे हैं यार। बच्चे और भी जगह क्यों मिलते हैं यार? हनुमान जी बड़ी सुंदर साहब कथा कहने लगे। और क्या कहा? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कि कहती सुनती आवे जहो, कि कहती सुनती आवे और यकीनों में पाज जहो। वही बढ़ाओ भाई की मस्ती में। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम हनुमान जी ने कहा कि राम भैया
मैं राम जी का दूत हूँ। माता जानकी बोली के पहली बात तो ये है कि नरकी और मानव की कभी यारी नहीं हो सकती। यदि फिर भी यारी हो गई तो मुझे एक बात बता के, मेरे राम जी का एक नाम है उसे तू बता सकता है? और एक बात याद रखना साहब, एक राम जी का एक ऐसा नाम था जिसे तीन लोग जानते, या तो हनुमान जी या माता जानकी या राम जी। वो सी माता होती है जो अपने पतियों का पर्सनल नाम रखती है। तो जानकी ने राम जी का अपना पर्सनल नाम रखा था अपने लिए। माता जानकी ने कहा कि यदि तू वो नाम बता देगा तो मैं जान जाऊंगा कि तू राम जी का दूत है। तो हनुमान जी बोले बस। बोले हाँ। तो हनुमान जी बोले माँ राम दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करना निधान की है माँ, मेरे राम जी का जो नाम है वो है करना निधान। ये करना निधान माता जानकी ने राम जी के लिए अपने लिए पर्सनल, माता जानकी ने कभी राधे नहीं कहा, कभी स्वामी नहीं कहा, कभी भगवान नहीं कहा। माता जानकी ने जब जब राम जी का नाम लिया तो केवल एक ही बात कही, करना निधान। हनुमान जी की बातों से सुना तो माता जानकी बड़ी प्रसन्न हो गई और एक बार हाथ पकड़ के बोली बाला जी महाराज जी की जय हो। हसाब आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाल गरीब वालों एक बार हाथ पकड़ के बोली बाला जी महाराज जी की जय हो। Thank you.
सेवक हो तो हनुमान जैसा होना चाहिए, सेवक हो तो हनुमान जैसा होना चाहिए और स्वामी हो तो राम जैसा होना चाहिए। सुनिए रमण सुंदर का कहा कि जो सेवे गए प्राण होते जो सेवे गए मेरे राम के लिए
सारा बताए प्रभु राम की सब अपराध।
अवसर चले मुर्गमन चास और ऐतिहास कर कर जा कपि वड़ लगे या काय सबोली बालाजी महाराज जी की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, बांके बिहारी के दरबार में कौन कौन गए? जी के दरबार ये बताओ सा है बस बेटा सीटी मार रहे हो तू और आइए एक बार प्रयास से। अच्छा एक बात बताइए, जो जो बांके बिहारी के दरबार में गए हो मेरा से पसंद है कि मुझे ये बताओ कि बिहारी जी को दरबार में लेके कौन आया है वृंदावन? हाँ साहब, हाँ साहब, बिहारी जी को कौन लेके आया है वृंदावन में? कौन कौन लेके आए? किसी ने लिखा है कि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि बिहारी जी को कौन लेके आया है वृंदावन? नाम तो हुआ उस भक्त का, कौन लेके आए, कौन से भक्त लेके आए? अच्छा और बताइए साहब। हाँ साहब बताइए, आप लोग बताइए। हाँ जी सामने वाला आप बताइए। तो आइए ना सुनिएगा कि बिहारी जी को वृंदावन में कौन लेके आए? तो हरी तरते हरी राशी और जाई न होते तो वृंदावन में बाके कौन लेके आए? हरिदास महाराज। कैसे कहोगे और हम मेरे क्या हो और मेरी जिंदगी के तुम्हारे आज लोगों की बोली हरी राज महाराज की के हरी करके हरी राज तो वृंदावन में बाके उड़ी में ठाकुर जी महाराज की वृंदावन में बाके भगवान की कथा सुखदेव जैसे पीछे जोर कर सुनी तो
वही संगरनी उस कोते होते हुए प्रसन्न होकर पड़े हुए बेटा बाप आतंक भागेगा। क्यों क्यों मेरी कथा पीछे बैठ कर सुनिए। यदि भगवान की कथा में आगे होंगे राम जी कहते हैं सर्वत का हो जीवोगे जब ही और जन्म को गया विनाशो। अरे जी तुम्हें सामने आकर बैठ जाएगा तुम्हें सारे बच्चों का आदर कर दूंगा। अच्छा एक बात बताइए कोई तुम्हारे चरणों में पड़ा है नजर उस पर पहले पड़ेगी कि कोई क्या सड़क पर बैठो नजर बाद में पहले पड़ेगी बताओ। हाँ कौन तो पड़ेगी पहले वाले तो पड़ेगी ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं ये भागवत महाभारत में आती है। जब दिए भगवान के सर की ओरिया कर बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर बैठ गए। भगवान ने कहा अर्जुन मां तुझे क्या चाहिए। भगवान बोल के जब तू सड़क पर बैठ जाओगे तो तेरे देह पे वो कैसे के फुहारे और वो एक हाथ में गए बन भरी हुई सरकार में I'm gonna go to the top of the mountain.
Thank you.
Thank you.
महाराज जय जय तू आओ तो आज जो है जो कर Thank you.
Yeah.
Ah.
Thank you.
Oh, my God.
जाएगा।